कर लीजिए ताकि हम लोगों को आपका सपोर्ट मिलता रहे और हम भी आपको सपोर्ट करते रहें। गाइस, आज मैं आप लोगों को अपडेट देने आया हूँ रिगार्डिंग यूएई ट्रांजिट। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखो ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारा इंटेंशन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास करना है ताकि लोगों को उससे फ़ायदा मिलता रहे, लोगों के अगर पैसे लगने वाले हैं तो वो पैसे बच जाएं, लोगों को अगर बेनिफिट होता है, लोगों को राउट्स के बारे में पता लगता है और वो राउट्स लोग यूज़ कर पा रहे हैं और उनको बेनिफिट हो रहा है और कॉस्ट सस्ता बढ़ रहा है, तो ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी सक्सेस है। गाइस, जैसे आप लोगों को पता तो अभी चल ही चुका है कि यूएई ने अपने डोर्स खोल दिए हैं इंडियंस के लिए, बट वो सिर्फ रेजिडेंट इंडियंस हैं जिन लोगों ने वैक्सीन यूएई में ही लगवाई है। जिनको वैक्सीन इंडिया में लगी है वो अभी तक जाने के लिए एलिजिबल नहीं हुए हैं और उन लोगों को अभी वेट करना पड़ेगा। यूएई ने इंडियंस के लिए ट्रांजिट भी अलाउ कर दिया है। कोई अगर इंडिया से फ्लाई कर रहा है तो यूए से ट्रांजिट लेके वो दूसरी कंट्री में जा सकता है। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं पे ये रिटर्न अभी तक नहीं था, उनकी वेबसाइट पे भी अभी तक ये रिटर्न नहीं था। हो सकता है कि आपको जब तक ये वीडियो दिखाई दे शायद उनकी वेबसाइट पे लिखा जाए, बट अभी तक ये कहीं पे भी अपडेटेड नहीं था। गाइस, अगर आप इंडिया से फ्लाई कर रहे हो, फ्लाई दुबई में या एमिरेट्स में या एहतियात में, और आप दुबई में ट्रांजिट ले रहे हो और वो ट्रांजिट के बाद आप किसी और कंट्री में जा रहे हो, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका लेओवर कितने घंटे का है दुबई में। बिकॉज अगर आप यूएई ऑफिशियल स्टेटमेंट पढ़ोगे तो उस पर ये लिखा हुआ है कि एयरलाइंस या एयरपोर्ट लॉन्च अरेंज करके देगा उन पैसेंजर्स के लिए जो कि ट्रांजिट ले रहे हैं यूएई में। तो अगर कोई यूएई में ट्रांजिट ले रहा है तो उन पैसेंजर्स के लिए लॉन्च अरेंजमेंट्स भी होते हैं, तो वो अरेंजमेंट एयरलाइंस की रिस्पांसिबिलिटी हो चुकी है अभी, या एयरपोर्ट की रिस्पांसिबिलिटी हो गई है। तो इसके कारण एयरलाइंस ने लिमिट लगा दी है कुछ आर्स की, कि अगर कोई दुबई में लेओवर ले रहा है तो वो कुछ लिमिटेड आर्स के लिए ही हो सकते हैं। ये आर्स वेरी कर सकते हैं एज पर योर फ्लाइट्स। अगर आप फ्लाई दुबई से फ्लाई कर रहे हो और आप दुबई में लैंड कर रहे हो, उसके बाद आपकी दोबारा फ्लाई दुबई है, तो आपको 6 आर्स से ज़्यादा लेओवर नहीं लेना है। अगर आप 6 आर्स से ज़्यादा लेओवर लोगे तो आपको बोर्ड नहीं करने देंगे। हालांकि हमें ये भी न्यूज़ मिल रही है कि फ़्लाइट्स ही कैंसिल कर रहे हैं, जिन्होंने पहले बुक कर लिए उनकी फ़्लाइट्स भी कैंसिल करेंगे। यहाँ से फ्लाई दुबई ले रहे हो और आगे से एमिरेट्स है किसी और कंट्री के लिए, तो हो सकता है आपको 10 आर्स का लेओवर दिया जाए। आप इस पर प्लीज़ कन्फर्म करो एयरलाइन से। अगर यहाँ से एमिरेट्स में जा रहे हो, आगे भी एमिरेट्स है, तो 10 आर का है। अगर यहाँ से एमिरेट्स है, आगे फ्लाई दुबई का है, तो भी 10 आर का है। तो यहाँ पर ये कुछ टेक्निकलिटीज़ यहाँ पर इन्होंने लगाई हैं। आप प्लीज़ अगर आप बुक करने वाले हो, पहले एयरलाइन से बात करो, उनसे कन्फर्मेशन लो, फिर जाके ये फ्लाइट्स बुक करो, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकता है। हम लोगों को बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं जो कि दुबई में वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं। वो रेजिडेंट हैं बट वो दुबई में वैक्सीनेटेड नहीं है और वो हमसे पूछ रहे हैं कि अभी कौन सा पॉसिबल राउट हो सकता है उन लोगों के लिए दुबई पहुंचने के लिए या यूएई पहुंचने के लिए। सो गाइज, इस टाइम पे जो पॉसिबल राउट आपके लिए है, एक तो दोहा हो सकता है। दोहा में एक प्रॉब्लम अभी आ रहा है कि जो अगर आप फ्लाइट टिकट्स कर रहे हो और उन फ्लाइट डेट्स के अकॉर्डिंगली आपको होटल्स मिलेंगे डिस्कवर कतार में या नहीं मिलेंगे, तो आप पहले डिस्कवर कतार पे चेक करो, फिर फ्लाइट्स का डिसीजन लो और फिर होटल का डिसीजन लो, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। मालदीव्स में अवेलेबिलिटी का बहुत इशू आ रहा है। मालदीव्स में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप माले सिटी में रह रहे हो 15 नाइट्स के लिए, ऐसे ऐसे होटल्स अभी ऑप्शंस मिल रहे हैं जो कि रहने लायक ही नहीं है। तो अगर आप 15 नाइट्स रह रहे हो, प्लीज़ ध्यान रखो, हाइजीनिक होटल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी एजेंट से कर रहे हो तो पहले होटल के बारे में पूछो कौन सा होटल है, उसके बारे में रिसर्च करो कि वो होटल रहने लायक है या नहीं है, क्योंकि हमने ऐसे होटल्स भी देखे हैं जहाँ पर बहुत महंगे दे रहे हैं, 400-400 USD, 500-500 USD, 1000-2000 USD, पर वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ ही नहीं है। इवन दरवाजे भी लॉक नहीं हो रहे हैं, सिक्योरिटी नहीं है, हाइजीन नहीं है, मेडिकल अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए कुछ बंदोबस्त नहीं है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ पहुँचने के चक्कर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना क्रिएट करवा लो अपने लिए कि यहाँ पे कुछ मेडिकल इश्यूज़ आने शुरू हो जाए। तो मालदीव्स है ऑप्शन, बट मालदीव्स में आप चेक करो कि आप रिजॉर्ट्स में जा सकते हो, आप एलिजिबल हो, या फिर आप होटल्स के लिए एलिजिबल हो, और अगर आप एलिजिबल हो तो वो होटल कैसा है, उसके बाद ही मालदीव्स को बुक करो। रिगार्डिंग कनाडा और यूएसए ट्रैवल, हम लोगों को बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं जिनको अभी भी कनाडा ट्रैवल करना है और स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे स्टक, या फिर वर्क वीज़ा वाले, या फिर रेजिडेंट्स भी यहाँ पे स्टक हैं। गाइस, अभी इस टाइम पे अगर आप चेक करोगे तो या तो यहाँ से जाने की फ़्लाइट्स नहीं मिल रही हैं थर्ड कंट्री में, या थर्ड कंट्री से टोरंटो या वैंकूवर या मॉन्ट्रियल जाने की फ़्लाइट्स नहीं मिल रही हैं। तो हम लोग जो अभी रेकमेंड लोगों को कर रहे हैं,
थोड़ा सा वेट करो, शायद ऑप्शंस खुलने के चांसेस हो सकते हैं। बहुत महंगा करने का लॉजिक नहीं है। और गाइस, हम लोगों को बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि हमें 20 दिन बाद ट्रैवल करना है, 25 दिन बाद ट्रैवल करना है, तो हम अभी कौन सा रूट बुक करें। कोई भी रूट हो, कोई भी कंट्री से आप जा रहे हो, 20 दिन पहले बुक करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है कि आगे क्या अपडेट्स होने वाली हैं। कुछ पता ही नहीं कि कौन से रूट्स हमारे लिए खुलेंगे या कौन से रूट्स हमारे लिए बंद होंगे। तो अगर ऐसा कुछ आप सोच रहे हो कि आपको 20 दिन बाद ट्रैवल करना है, हमारा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि अभी वेट करो, अपने डेट्स के आसपास जाओ, उस टाइम फिजिबल कनेक्शंस ढूंढो और उस टाइम फ्लाई करो, इंस्टेड कि आप अभी से अपने पैसा फंसा लो और आपको पैसा वापस ना मिले, या फिर आपका पैसा एयरलाइंस के साथ 6-7 महीने के लिए स्टक हो जाए। तो प्लीज़ इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दो गाइस। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहें। प्लीज़ हम लोगों को सपोर्ट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो और हमारे ब्लॉग पे